बताते हैं कि उनके पिताजी का जो दिनचर्या थी वो नियमबद्ध और नैमित्तिक थी। हर रोज सुबह वे 3 बजे उठा करते थे, रात को कितनी भी देरी से सोए वे हमेशा 3 बजे उठा करते थे। उसके बाद शौचालय से निवृत्त होकर ठीक 3:30 बजे वे गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते थे। हमारे घर से गंगा जी 3-4 मील की फासले पर थी। हमेशा गंगा स्नान के लिए वे पैदल जाया करते थे और पैदल ही वापस आया करते थे। और ठीक 6:30 बजे वे गंगा स्नान कर घर वापस आते थे और साथ में एक सुराही में गंगा जल लेकर आते थे पूजा करने के लिए। और घर पहुंचते ही वे पूजा की कोठरी में पूजा के लिए बैठ जाते थे। हमारे घर के जीने के नीचे एक छोटी सी पूजा की कोठरी बनाई गई थी और उस कोठरी में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन शीशे जड़ी राम कृष्ण हनुमान गणेश दुर्गा इनके फोटो वहां पर टंगी हुई रहती थी। और वहीं पर पूजा कोठरी में उनके पास में एक अलमारी थी, उस पर हमेशा 2 पुस्तकें बंधी रहती थी। एक थी रामचरितमानस और दूसरी थी गीता। और पूजा कोठरी में अंदर जाने के लिए उन्हें काफी झुककर जाना पड़ता था। और पूजा कोठरी में बैठने के बाद वहां पर सिर्फ इतनी ही जगह बचती थी कि वहां पर रेहल रखकर किताब पढ़ी जा सके। मेरे पिताजी हर रोज रामचरितमानस का नवाई पाठ किया करते थे, यानी इतना कि 9 दिनों में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। और उनकी वह रामचरितमानस की किताब आज भी मेरे पास आज भी है और उस पर नवाई के निशान हर पन्ने पर, उस रामचरितमानस के हर पन्ने पर नवाई के निशान आज भी उस पर है। और वे पाठ स्वस्वर किया करते थे, गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, लेकिन उनकी जो आवाज थी सप्राण और लयपूर्ण थी। वे जब नवाई पाठ किया करते थे तो सारे घर में उनकी आवाज गूंजा करती थी। मुझे आवाज की पहली स्मृति मेरे पिताजी की आवाज की ही थी। हर सुबह जब भी वे नवाई का पाठ किया करते थे तो उनकी आवाज मुझे सुनाई पड़ती थी। और उनकी उस आवाज को हमारे घर के सारे सदस्य अच्छी तरीके से पहचानने लगे थे।